हाँ जी, क्या समझ में आया क्वेश्चन से? हाँ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, ओके चेक करना पड़ेगा एक मिनट। व्हिच ग्राफ करेक्टली प्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ से पूछा गया है। तो भैया हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे होता है, तो तू कैसे कह सकता है थर्ड ऑप्शन? ये तो गलत हो जाएगा। मैक्सिमम इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, उससे ऊपर तो जैसे आप सॉरी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर पे जीरो होता है, जैसे जैसे आप सरफेस पे चलेंगे मैक्सिमम होगा, उससे ऊपर जाएंगे फिर से डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन या तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, और देखें तो दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस लग नहीं रहा। डिफरेंस है ये स्ट्रेट लाइन का इधर और ये कर्व लाइन का इस तरफ। तो यहाँ बता दीजिए क्या आंसर आना चाहिए। अंदर वेरिएशन कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो वेरिएशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है, अंदर का जो वेरिएशन होता है वो प्रोपोर्शनल टू डेप्थ होता है। तो फर्स्ट या सेकंड? दीपांशु अंदर का वेरिएशन कैसा लिखता है तू? फॉर्मूला क्या था? हाइट के साथ और डेप्थ के साथ फॉर्मूला बोल जल्दी से। याद है फॉर्मूला? जीएम बाय वन माइनस डी बाय। हाँ, तो वन माइनस डी बाय, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, ये आपका आंसर होना चाहिए। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर जब चलते हैं तो वो वैसे देखा जाए तो माइनस टू पावर के प्रोपोर्शनल होता है, उसको अपन अंदर ले आते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो हम करते हैं माइनस टू एच बाई आर से, बट एक्चुअली क्या होता है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहता है। तो बाहर ऐसा आएगा और अंदर ये आना चाहिए। सो ऑप्शन शुड बी दिस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर डी ऑप्शन डिक्रीजेस एट डिफरेंट रेट्स। ओके चेक करते हैं, ये तो कराए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर अर्थ टू बी होमोजेनियस स्फीयर, ठीक बात है। साइंटिस्ट ए गोज डीप डाउन इन अ माइन एंड साइंटिस्ट बी गोज हाई अप इन अ बलून, द ग्रेविटेशनल फील्ड मेजर्ड बाय द टू साइंटिस्ट। तो दोनों ही डिक्रीज होते हैं, अभी अपने क्वेश्चन डिस्कस किया कि जब सरफेस पे होंगे तो मैक्सिमम होगा, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा। अब इसमें आंसर आपसे पूछा गया है कि रेट क्या होगी उनके वेरी होने की, तो अभी हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि रेट होती है नीचे प्रोपोर्शनल होती है और ऊपर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यस, रेट इज ऑल्सो डिफरेंट, तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। पिछले वाले से लिंक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए,
सर डी ऑप्शन गो फार अवे इन स्पेस, ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसके ऊपर वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो लोग, वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अच्छा वाला तो वो नीचे आएगा, नहीं तो वो सीधा स्पेस में चला जाएगा अगर अच्छा वाला एस्केप कट, कर लेगा। अगर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि वो ऑर्बिट में घूम रहा है, जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो बाहर आएगा, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ऐसा था कि यहाँ पे अर्थ है, इसके आसपास एक सैटेलाइट यहाँ पे किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, एंड दिस हाइट इज 120 किलोमीटर दे रखा है आपको। ठीक है, यह हाइट 120 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि यहाँ जो सैटेलाइट घूम रहा है इसकी एक स्पीड है यहाँ पे वी, विच कैन बी गिवन इज रूट जी एम बाई आर, मास ऑफ अर्थ बाय ये जो टोटल रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 120, इससे आप दे सकते हैं। जब यहाँ से कुछ ड्रॉप करेंगे तो हम जानते हैं कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट से कुछ चीज ड्रॉप की जाती है तो उसको सेम वेलोसिटी मिलती है, तो यहाँ से जो भी आप चीज ड्रॉप करेंगे उसे सेम वेलोसिटी मिल जाएगी, सेम वी। अब इस वी वेलोसिटी की वजह से क्या हो सकता है? कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सैटेलाइट एट दैट टाइम, या फिर कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, या फिर फॉल डाउन टू अर्थ ग्रेजुअली, या फिर गो फार अवे इन द स्पेस। ये आपके सारे ऑप्शन हैं, तो आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रेय, तूने तो अपना आंसर बता दिया, डी। बाकी लोग? दीपांशु, क्या लगता है तुझे क्या आंसर आना चाहिए इसका? फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सैटेलाइट एट द टाइम, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, ऐसा तुझे लगता है? ओके ठीक, ऐसा हिसाब है कि यहां से जब आपने इसको वी वेलोसिटी से फेंका, आप इसे ऐसा ही मान सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और इसको वी वेलोसिटी से इस तरफ फेंका गया, ऐसा हिसाब है। ठीक है, और उसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कोई आर रेडियस पे है, और हम जानते हैं कि दिस आर रेडियस एंड दिस वी आर कनेक्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूट जी एम बाई आर यहाँ पे है। ये ऐसी वेलोसिटी है जिससे अगर यहाँ पे किसी पार्टिकल को छोड़ा जाए या ड्रॉप किया जाए तो ये सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी मास है यहाँ पे, जैसे ये दिस मास एम, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बाहर की तरफ इस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स आप मान सकते हो, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मान सकते हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर। और यहीं से हमने इसको प्रूव भी किया था कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, आपने इसे लिखा था जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आर स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ से आपको मिला था वेलोसिटी इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। ठीक है, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिली थी, तो दिस वेलोसिटी इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू ऑर्बिट इन दिस रेडियस आर, जो इस ऑर्बिट है आर रेडियस का, उसके अंदर घूमने के लिए ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी वी है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए कि ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ये इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता है, इस पे एमजी का फोर्स हमेशा लग रहा है, तो ये हमेशा अर्थ की तरफ तो आएगा, स्ट्रेट लाइन में ये ऐसा नहीं जा सकता, ये ऐसा ऐसा नहीं चल सकता क्योंकि अर्थ इसको हमेशा अपनी तरफ खींच रही है, तो ऐसे तो नहीं जाएगा ये। फॉल डाउन टू अर्थ ग्रेजुअली, अर्थ की तरफ ये फॉल डाउन कर सकता है इफ इसके पास इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होती तो, लेकिन यहां बोला गया कि ड्रॉप्ड, ड्रॉप किया गया है, सिर्फ इसको जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ दिया गया, तो जो जीरो वेलोसिटी के साथ छोड़ा तो जो सैटेलाइट की वेलोसिटी थी सिर्फ वही इसको मिलने वाली है, तो यस ये इस ऑर्बिट में घूम सकता है, ये मेरा आंसर इसमें होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है 15, देखिए।
क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन सी ये आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट मास m है अगर r by 2 रेडियस का यहाँ से एक पार्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमीटर r है तो रेडियस r by 2 है, तो इसका मास आएगा m by 8। ये अपन कल भी देख चुके थे, क्योंकि वॉल्यूम अगर कंपेयर करो तो पूरा वॉल्यूम था 4/3 πr³। अगर कैविटी का वॉल्यूम देखो तो ये आएगा 4/3 πr²³, विच इज इनिशियल वॉल्यूम का 1/8, तो मास भी हो जाएगा 1/8 टाइम्स। अब आपको जब लिखना है तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी जी एम बाई एक्स स्क्वायर 7/8 टाइम्स 1 - 1/8। नेक्स्ट देखिए, क्या आंसर आना चाहिए 16 का? The body starts from rest at a point distance r naught from the center of the earth. The velocity acquired by the body when it reaches the surface of the earth will be r represents the radius of the earth. Energy conservation का question है, potential energy kinetic energy बराबर कीजिए। Initially ये कहीं यहाँ से था and this distance is from center, r naught is from the center. यहां से जब गिरेगा तो सरफेस पे पहुंचते पहुंचते उसके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इक्वेशन करते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर नॉट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से आपको चाहिए वी, तो एम तो सारे कैंसिल हो गए, ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा जी एम 1/r माइनस 1/r नॉट इज इक्वल टू, इधर से आया वी स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आपका आंसर मिल जाएगा रूट ओवर 2 जी एम 1/r माइनस 1/r नॉट। तो ऐसा एक भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, वे क्या कह रहे हो, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा ना? इसका जो आंसर है कोई माइनस मैंने मिस तो नहीं किया है यहाँ पे? नो सर, नो सर। ठीक है, तो यही अपना आंसर कर लेते हैं, इसी को अपना आंसर बनाते हैं। आप चाहो तो इस पे रूट लगा लो, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, The total energy of the particle is minus k/2r. Check करते हैं, Dipanshu, second option. The third option. Okay, तू कह रहा है third option, Shrey. Check करते हैं. A satellite of mass m is moving in a circle of radius r under the centripetal force given by this, where k is a constant. ठीक है, तो centripetal force यहाँ पे दे रखा है आपको minus k/r². ठीक है, और ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा गया है। सेंट्रिपेटल फोर्स हम जानते हैं, दिस इज
इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर के करस्पॉन्डिंग क्या रहता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्चुअली। इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखो तो यहाँ से एम वी स्क्वायर कितना मिलता है, दिस एम वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई आर, ये आपको मिलेगा एम वी स्क्वायर। अच्छा सेंट्रिपिटल फोर्स है, के कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपन इसे पॉजिटिव लेके चल लेते हैं, इसको अपन हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं। सो एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू के बाय आर, एक चीज तो ये मिल गई। तो अब यहाँ से आप अपना आंसर आराम से बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आप लिख सकते हैं के बाई टू आर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात तो तेरा तो गलत हो गया श्रेय, के बाई टू आर आना चाहिए। Yes, sir. तो ये भी गलत है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे 1/12 है, और ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बचता है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। हम जानते हैं कि जब भी ये 1/r² वाला चीज होती है तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है श्रेय वो? Kinetic energy is equal to potential, sorry, kinetic energy is equal to total energy which is equal to 2 multiplied by potential energy. 2 times potential energy, और एक negative sign भी यहाँ पे आता है, है ना? यहाँ पे ये negative sign भी आते हैं। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ जाएगी कि भैया अगर total energy की बात करें, so total energy is 2 times kinetic energy. सॉरी टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो यस टोटल एनर्जी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, माइनस के बाई टू आर यहाँ पे दे रखा है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता, अगर माइनस के बाई आर होता तो ये ऑप्शन सही होता पोटेंशियल एनर्जी का, बट दिस इज रॉन्ग, सो ये भी गलत हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट The change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as that of d below the surface of the earth when both d and h are much smaller than the radius of the earth. Theek hai yaar, aasan question hai, kar lo jaldi se answer bata do. Fourth option. Dipanshu, theek hai, check karte hain. Waise to seedha seedha dekh hi raha hai. Formula agar yaad hai to question aasani se ho jayega. Formula, agar height wali baat karte the तो जब छोटी हाइट है तो अपन उसको अप्रोक्सीमेशन से लिख सकते हैं जी वन माइनस टू एच बाई आर, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेप्थ पे तो एक ही फॉर्मूला चलता है, ज्यादा डेप्थ तो कम डेप्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-d/r, ये दोनों फॉर्मूलाज थे आपके। यहाँ पे आपको बोला है कि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो चीजें इक्वल कर दो, जी से यहाँ से आ जाएगा 1-2h/r is equal to 1-d/r, answer yahan se aa gaya d equal to 2h, so yes option d is correct. Next, par ye formula tab use kar paye jab yahan pe given hai, given d and h are much smaller than the radius of the earth, tabhi hum h ka ye wala formula use kar paye, otherwise hame 1/r-h ka whole square wala formula apne ko use karna padta. Dekhiye next, फर्स्ट ऑप्शन मून, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, और किसी का कोई आंसर? ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। So two identical geostationary satellites are moving with equal speeds in the same orbit, but their sense of rotation brings them on a collision course. The debris will, ये आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली ऐसा सिस्टम है कि एक ही ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है और एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है,
तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, आइडेंटिकल सैटेलाइट्स हैं, एक ऑर्बिट में, इसलिए वेलोसिटी सेम होगी, स्पीड सेम दे रखी है वैसे भी आपको। तो यहाँ आके जब टकराएंगे ये, तो टोटल मोमेंटम अगर सिस्टम का देखो तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू जीरो। तो जब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है, आप कह सकते हैं कि डेब्रीज का वेलोसिटीज एक मोमेंट के लिए उस टाइम पे जीरो होगा जब ड्यूरिंग कोलिजन, और जब जीरो होगा तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो जब जीरो वेलोसिटी है, और अर्थ का जो उस ग्रेविटेशन है वो लगातार इस पे खींच रहा है, तो ये कहाँ के नीचे गिरेंगे, फॉल डाउन, ये उनका कोर्स रहेगा आगे कोलिजन के बाद, सो फॉल डाउन। नेक्स्ट, a tunnel is dug along the core of the earth at a perpendicular distance r by 2 from the center of the earth, theek hai, the wall of the tunnel may be assumed to be frictionless, a particle is released from one end of the tunnel, the acceleration of the particle varies with x, distance of the particle from the center according to kaun se graph se aap bata sakte hain uska acceleration, yeah, aapka question ऑप्शन सी कैसे, अगर इस तरह से पूरी टनल बनाई हुई है तो फिर सबसे पहले उसका जी सबसे ज्यादा होगा, वो जिस तरह से अंदर जाते जाएगी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, और फोर्स कम है ना, मतलब एक्सेलरेशन कम होने वाला एक ही ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है श्रेय, आप सीधा इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, इस तरीके से ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल जो श्रेय ने बताया तरीका ठीक है कि ये कांस्टेंट तो नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे, जैसे हम जानते हैं कि सेंटर के पास जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे इसका एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू कम होती रहती है, तो जी डिक्रीज होना चाहिए टूवर्ड्स द सेंटर, तो एक्स जब ये सरफेस पे था तो सेंटर से डिस्टेंस इसकी सबसे ज्यादा थी, x इक्वल टू आर था, जैसे जैसे अंदर आएगा वैसे वैसे इसकी मिनिमम डिस्टेंस r बाई टू पे हो जाएगी, तो तब एक्सेलरेशन एकदम कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसको देख भी लेते हैं कि इस मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो भैया ये हो गया आपका अर्थ और ये हो गई टनल जो यहाँ पे डिक कर रखी है, और इस टनल की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ से अर्थ ऑफ सेंटर से आर बाय टू है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब किसी भी पोजीशन पे अपन इसको देखते हैं, तो लेट्स से इस पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे इस पोजीशन पे इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा टनल की वजह से, फ्रिक्शनलेस टनल है लेकिन नॉर्मल फोर्स तो लगाएगी। दूसरी बात, इस डायरेक्शन में इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, एम जी का जो भी कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बेसिकली जो भी फोर्स है उस डायरेक्शन में है mg की वजह से। किसी भी एंगल पे अगर थीटा ये बना रहा है यहाँ पे, तो थीटा लिखा जा सकता है r by 2 और x के करस्पोंडिंग, सॉरी हम जानते हैं कि जैसे इससे डेप्थ पे आएगा वैसे वैसे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कम होता जाएगा, या ग्रेविटेशनल इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कम होता जाएगा। तो कितना फोर्स इस पे लगेगा इस टाइम पे, अगर मैं इसको mg डैश बोलता हूँ जो इस पे इस टाइम पे फोर्स लग रहा है किसी डिस्टेंस x पे, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, अंदर जब आता है ये तो डिस्टेंस के साथ साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, हमने अभी देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स या g डिपेंड्स 1 माइनस d बाय r के करस्पॉन्डिंग इसका लगातार कम होता है, ठीक है, g 1 माइनस d बाय r। अब यहां से डिस्टेंस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है या सरफेस के कितना अंदर है इस बारे में अगर बात करें, तो सरफेस के कितना अंदर है अभी इस डायरेक्शन में अपने को देखना पड़ेगा, तो ये है डिस्टेंस r, टोटल डिस्टेंस इज रेडियस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस इज x, तो ये कितना अभी है r माइनस x सरफेस से ही अंदर है अभी,
दिस इज आर माइनस एक्स. तो यहाँ से अपन इसको देख सकते हैं, दिस डी इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, ऐसा है ये. तो यहाँ जो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो लगेगा एम इंटू जी डैश, जी डैश इज जी, वन माइनस आर माइनस एक्स बाई आर. सॉल्व करें तो ये आता है एम जी एक्स बाई आर. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी पोजिशन एक्स जो इसको फील होगा. ठीक है, अब इसके अलावा जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स कितना लग जाएगा? तो नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर. टनल के अंदर जब ये चल रहा है तो परपेंडिकुलर इस पे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगने वाला है. तो नॉर्मल फोर्स हम कह सकते हैं कि mg का जो ये वाला कंपोनेंट है, तो इधर लग रहा है आपका mg, दिस इज mg. इसका साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा. सो mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, आई एम सॉरी, थीटा के साथ cos थीटा. तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा. सो दिस mg dash sin थीटा कंपोनेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. और यहाँ से आप अगर वैल्यूज पुट करते हो साइन थीटा की, अगर वैल्यू पुट करें अपने इस ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ये r by 2 है, ये x है और ये थीटा है. यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू पुट करो तो आती है r by 2 by x. सो यहाँ से अपन लिख सकते हैं इसको एम जी एक्स बाई आर, ये तो हो गया एम जी डैश इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है r by 2x. तो इसको अगर सॉल्व करें तो नॉर्मल यहाँ से कितना मिलता है, r से r कैंसिल, x x कैंसिल, एम जी बाई 2, ये आपको मिलता है नॉर्मल फोर्स हमेशा. ये आपको मिल जाएगा नॉर्मल फोर्स हमेशा किसी भी पोजीशन पे. इस पे नॉर्मल फोर्स इज mg by 2 जो कि फिक्स्ड है. इसको जो मोशन करा रहा है, जो इसका मोशन करा रहा है यहां से यहां तक, वो है टेंजेंशियल फोर्स, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स. और वही एक्सेलरेशन अपने से पूछा गया है कि इस डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसे वेरी कर रहा है. तो ये जो मोशन इसको करा रहा है, कौन करा रहा है, mg cos theta component इसको करा रहा है मोशन. So motion is done by mg dash cos theta component. अगर ऐसा है तो mg dash cos theta अपन calculate कर लेते हैं कितना आएगा. F is equal to ma is equal to mg dash cos theta. यहाँ से आपको a मिल गया g dash cos theta. Acceleration is g dash. G dash आपने अभी calculate किया था यहाँ से. देखिए कितना आया था, gx by r. यहाँ से देख सकता हूँ ना, g dash is gx by r. जी एक्स बाई आर. और कॉस थीटा अपन यहाँ से लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से अगेन. तो ये लिखा जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4. इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स. रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स. ये आपका आया एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन को अपन थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखें तो जी बाई आर कॉन्स्टेंट हो गया, इधर से रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4. इसका आपको ग्राफ यहाँ पे चाहिए, दिस इज द ग्राफ. और ये ग्राफ आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि किसका बनेगा. ठीक है, सो ये पूरा सिचुएशन है जिससे अपन इसको सॉल्व करेंगे. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है, श्रेका अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पे आप सीधा ऑप्शन देख के अपना आंसर बता सकते हैं. ग्राफ के टाइम पे ना ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका होता है, तो वो तरीका सबसे अच्छा है क्योंकि इतनी मेहनत आपके यहाँ पे बच जाएगी. तो ऑप्शन इज सी. चलिए नेक्स्ट. इस बार डायमेट्रिकल टनल है. देखिए यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दे रखा है, और ध्यान से देखो तो ये कितना है, दिस इज 3/2 टाइम्स सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसका 3/2 टाइम्स है एट द सेंटर. और हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर के केस में ऐसा होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे ये ग्रेविटेशन वाली बात करें, सॉलिड स्फीयर के केस में जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है. तो इसको याद भी रखना है अपने को अलग से. ठीक है, बता दीजिए आंसर क्या आएगा. सर बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, हाँ ठीक है, आंसर इज सेकंड ऑप्शन. करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है. डायमेट्रिकल इस बार अगर है
तो अपन यहां तक एक टनल बना सकते हैं, यहां से एक ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी अपन यहां पे देख सकते हैं सरफेस वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा तो अब सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो जी एम एम बाई आर से, लेकिन यहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, सेंटर के पोटेंशियल से। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, इनको अपने को देखना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे है तो माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हो जाएगा 3/2 जी एम एम बाई आर, क्योंकि आपको पोटेंशियल दे रखा है, माइनस 3/2 जी एम बाई आर मल्टीप्लाइड बाय मास कर दीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी। कहाँ से आया ये, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, वैसे यहाँ हो जाएगा यू इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है, वी इज पोटेंशियल, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा आ गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली रूट जी आर, टू सारे कैंसिल हो गए, ये इस तरफ आ जाएगा, रूट टू जी आर आ रहा है क्या यहाँ से, या रूट जी आर आ रहा है, ठीक है चलिए। सो आंसर इज रूट, अच्छा हाँ यहाँ टू नहीं है ना, ठीक है, सो आंसर इज रूट जी आर, ओके नेक्स्ट। कौन कौन सी एनर्जीज यहाँ कंसिडर करनी पड़ेंगी, सिर्फ पोटेंशियल से काम हो जाएगा या काइनेटिक भी चाहिएगी, क्योंकि ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जीज देखनी पड़ती हैं। तो बेसिकली आप इसको सीधा टोटल एनर्जी से ही कर लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम जानते हो रूट जी एम बाई आर वेलोसिटी से, या चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी से कर लो, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, उससे कर लो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें, इनिशियल तो यह आएगी माइनस, हाँ फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाय आर, अच्छा नहीं बाय थ्री आर, इनिशियल इज बाय थ्री आर, और फाइनली अपन देखें पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो आएगी माइनस जी एम एम बाय फाइव आर। तो जो टोटल एनर्जी में चेंज होगा, चेंज इन टोटल एनर्जी, वो हो जाएगा twice of this minus twice of this, so 2 times minus g mm by r 1 by 5 minus 1 by 3, this is the change in total energy, solve kar lete hain isko, 15 lcm aayega, 3 or 5 udhar se aayega, 2 by 15, 4 by 15, so 4 by 15 of the g mm by r ye change aaya। यहाँ से आपको निकलना है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा डेल्टा टी बाय इनिशियल, टोटल एनर्जी इनिशियल इनटू 100, तो आ जाएगा 4/15 बाय इनिशियल जो एनर्जी थी वो यहाँ से देख सकते हो ट्वाइस ऑफ दिस, सो 2/3 इनटू 100, ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सो 2/5 इनटू 100 आंसर इज 40%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं कंफ्यूजन ना उसके लिए लिख देता हूँ, इन दोनों की टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इज माइनस 2 जी एम एम बाई 3 आर, एंड टोटल एनर्जी फाइनल इक्वल टू माइनस 2 जी एम एम बाई 5 आर। इससे अपन ने फिर डेल्टा टोटल एनर्जी निकाला और यहाँ से अपन ने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट,
चलाओगे तब तो हाँ भाई क्या आंसर आया सर फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दीपांशु देखते हैं ओके मून हाँ आंसर भी इसका दे रखा है फोर्थ ऑप्शन ठीक है तो इफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इन मास एम इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन विद पीरियड टी इज अरे था आसान से क्वेश्चन है हम जानते हैं कि टाइम पीरियड लिखा जाता है 2 पाई बाय ओमेगा से यहाँ से ओमेगा मिल गया आपको 2 पाई बाय टी आपको पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है आई ओमेगा ओमेगा पता है आई आई को बोला गया है स्फीयर की तरह ट्रीट करना है फॉर अ स्फीयर दिस इज 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा इज 2 पाई बाय टी यहाँ से आप देख लीजिए आंसर मिल रहा है 4 पाई एम आर स्क्वायर बाय 5 टी सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन टी ठीक है नेक्स्ट अच्छा ये टाइम खत्म हो रहा है अपना तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं एक बार लीव करते हैं फिर से ज्वाइन करते हैं